तो यार शैंगची का फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है। हाँ भाई, ये फर्स्ट ट्रेलर है, पिछला वाला टीजर ही था। एंड ऑब्वियसली अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि इस ट्रेलर का सबसे शॉकिंग पार्ट क्या था। अरे मैं अबॉमिनेशन की नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड की बात कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, लोकी की सीरीज की तरह सस्पेंस नहीं बनाते हैं एंड बढ़ते हैं ब्रेकडाउन पे। एंड ऑब्वियसली ब्रेकडाउन है तो स्पॉयलर्स होंगे ही। अब ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में ही हमें 10 रिंग्स दिखाए जाते हैं। अभी तक तो देखकर ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ 10 रिंग्स कॉमिक्स से काफी ज्यादा अलग हैं। पहला डिफरेंस तो ऑब्वियस है कि भाई इतने बड़े रिंग्स थोड़ी होते हैं। कॉमिक्स में तो इसे मैंडरिन अपने उंगली में पहनता था, लेकिन यहाँ तो रिंग्स चूड़ियों में कन्वर्ट हो गए हैं। लेकिन इसके पीछे एक फैन थ्योरी है जिसपे मैं आगे आऊंगा ड्रैगन वाले शॉट में। सेकंड डिफरेंस है इन रिंग्स के पावर्स का। वैसे ट्रेलर से तो इसके पावर्स क्लियर नहीं पता चल रहे, लेकिन कॉमिक्स में इसके पावर्स कुछ अलग ही थे, जैसे कि इल्यूजन क्रिएट करना, टाइम के स्पीड को स्लो या फास्ट करना, मतलब थोड़े अजीब अजीब पावर्स। आप चाहो तो पॉज करके पढ़ लेना। लेकिन हाँ, यहाँ देखकर ऐसा ही लग रहा है कि 10 रिंग्स से एलिमेंट्स जैसे कि वाटर, फायर, इन सबको कंट्रोल किया जा सकता है। तो हाँ, ये एक और मेजर चेंज है। फिर यहाँ 10 रिंग्स का फ्लैग भी दिखता है और ये सिंबल हम लोग पहले ही आयरन मैन के मूवीज में देख चुके हैं। वैसे आपको याद होगा ही कि आयरन मैन की थर्ड मूवी में एक फेक मैंडरिन भी था। एनएमसीयू के शॉर्ट फिल्म में ये रिवील हुआ था कि उस फेक मैंडरिन को रियल मैंडरिन ने किडनैप करवा लिया। तो लेट्स सी कि यहाँ कोई वैसा कनेक्शन दिखाया जाता है या नहीं। और आगे जब यहाँ इस शॉट में मैंडरिन को 10 रिंग्स का यूज करते देखते हैं तो यहाँ ये कंफर्म हो जाता है कि ये किसी एंशिएंट वॉर का सीन है। भाई सब तलवार भाले से लड़ रहे हैं और इसी से ऐसा भी लगता है कि मैंडरिन इमोर्टल है। मे बी ये 10 रिंग्स के चलते हो या फिर कुछ और। कॉमिक्स में मैंडरिन के इमोर्टल होने के बारे में तो कुछ नहीं बताया गया, लेकिन हाँ उसे ये 10 रिंग्स एक एलियन स्पेसशिप में मिले थे जो कि अर्थ पे आके डिस्ट्रॉय हो गई थी। मैंडरिन यानी कि वेन वो फिर ये बोलता है कि ये रिंग्स एक दिन शैंगची के हो जाएंगे, पर हाँ ऑब्वियसली उसे इन रिंग्स के लिए वर्दी होना पड़ेगा। और भाई शैंगची को तो वर्दी होने का मन ही नहीं है। खैर, यहाँ हमें दिखती है ये कैरेक्टर जिसका नाम है जियांग नैन। अब फर्स्ट लुक से तो ऐसा ही लगा कि ये शैंगची की माँ है, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। फैंडम में इसके बारे में लिखा है कि ये एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है, तो हाँ ये शैंगची की माँ तो नहीं है। वैसे यंग शैंगची के साथ उसकी माँ जरूर दिखी है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये जियांग ली है, जिसे हमने पिछले टीजर में मैंडरिन से लड़ते भी देखा था। मुझे पता है कि भाई इन सारे कैरेक्टर्स के नाम से आप कंफ्यूज हो रहे होगे, मैं खुद हो रहा, इसलिए अभी आप स्क्रीन पे ऑफिशियल कास्टिंग लिस्ट देख रहे हो, इससे आपका डाउट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। आगे हमें जियांग नैन की कैरेक्टर शैंगची को अपने एबिलिटीज दिखाते हुए दिखती है। एंड मोस्ट प्रोबेबली जब शैंगची वापस चाइना पहुंचेगा तो ये उसको गाइड करेगी अपने पावर्स को और इनहेंस करने में। देन मुझे ये वाला शॉट बहुत इंटरेस्टिंग लगा जहां ये चारों एक आइलैंड को देखते रहते हैं। यहां केटी है, शैंगची है, शैंगची की बहन शॉलिंग है एंड फाइनली जियांग नैन भी, जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। और ये शॉट देखकर ऐसा ही लग रहा है कि वो लोग यहाँ जाना चाहते हैं एंड मे बी ये सब कुछ 10 रिंग्स की ओरिजिन को एक्सप्लोर करने के लिए किया जा रहा हो, उसके सच को जानने के लिए किया जा रहा हो। देन इस शॉट पे आए तो यहाँ सबकी ट्रेनिंग हो रही है, सॉर्ट ऑफ 10 रिंग्स की एजेंट बनने की या निंजा बनने की टेक्निक सिखाई जा रही है। आप हर जगह 10 रिंग्स का सिंबल भी देख सकते हो। और भाई इस पूरे सीक्वेंस से ही मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी याद आई थी। देन आगे कुछ फ्लैशबैक के सीन्स भी दिखाए जाते हैं जहां शैंगची की ट्रेनिंग हो रही है। वैसे ये डेड डीलर है जिसने कि शैंगची को बचपन से ही ट्रेन किया है। फिर हम कई लोगों को इंक्लूडिंग डेड डीलर को शैंगची के पीछे देखते हैं। अब ये जो सारे शॉट हैं मुझे लगता है कि सैन फ्रांसिस्को के हैं, जहां शैंगची अपने फादर से दूर काम कर रहा है, जो कि पिछले टीजर में एक्सप्लेन भी किया गया। एंड नाउ ही वांट्स हिम बैक। लेकिन वापस आने से पहले एक तरह से उसका टेस्ट लिया जा रहा है, क्योंकि आगे सेम इसी लोकेशन पे मैंडरिन खुद भी है और वो बोलता भी है कि ग्लैड आई वॉज राइट। पीछे आप डेड डीलर को भी देख सकते हो। तो हाँ यार, गजब का बाप है, मार कुटाई करवा के टेस्ट लेता है। एंड ऑब्वियसली इसी के बाद वो उसे सैन फ्रांसिस्को से चाइना ले जाता है, वो भी हेलीकॉप्टर में, मतलब कि पहले कुटाई फिर हेलीकॉप्टर में घुमाई। और हाँ, यहाँ जब कांच टूटता है तो आप शैंगची की बहन शॉलिंग को भी देख सकते हो। तो इनिशियली उसकी बहन अपने फादर के साइड रहेगी, लेकिन बाद में शैंगची के साइड। आगे बढ़े तो एक शॉट में शैंगची मैंडरिन को बोलता है कि यू आर जस्ट अ क्रिमिनल हु मर्डर्स पीपल। एंड ये शॉट दिखाता भी है कि कैसे बचपन से ही शैंगची के सामने उसके पिता ने कितनों को मारा है, विच एक्सप्लेन्स कि उसे अपने पिता से इतना हेट क्यों है। बेसिकली इस मूवी में फादर सन रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया जाएगा एंड ऑब्वियसली उसमें इसकी माँ भी इन्वॉल्व होगी। अभी तो मुझे यही लग रहा है कि जियांग ली शैंगची की माँ होगी, जो कि ट्रेलर में ग्रीन कपड़ों में दिखी है, पर वो अब जिंदा नहीं है। यहाँ आप एक फोटो भी देख सकते हो, तो मे बी यही उसकी माँ हो। शैंगची अपने माँ के बहुत क्लोज था एंड किसी तरह से इन सब में मैंडरिन मतलब कि वेनवू भी इन्वॉल्व्ड है, और यही रीजन है कि शैंगची उसे हेट करता है। आगे हम रेजर फिस्ट और शैंगची का फाइट सीक्वेंस देखते हैं। एंड एज ये सैन फ्रांसिस्को के शॉट हैं तो ये वही टेस्टिंग वाला पार्ट होगा।
एंड रेजर फिस्ट के बारे में तो मैंने डिटेल में ही अपने पिछले ब्रेकडाउन में बता ही दिया था। देन ये वाटर लैंटर्न वाला शॉट, जो कि चाइना का फेमस ट्रेडिशन है, जहां ऐसी लैंटर्न को किसी पॉन्ड, लेक या रिवर में बहाया जाता है, स्पेशली क्रिसमस या चाइनीज न्यू ईयर में। वाटर की बात हुई है तो आगे हम मैंडरिन को वाटर को कंट्रोल करते देखते हैं। ऑब्वियसली ऐसा वो 10 रिंग से कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ ड्रैगन बना हुआ है। वैसे तो चाइनीज कल्चर में ड्रैगन का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, एक अलग ही वैल्यू है, लेकिन भाई इस मूवी के लिए मुझे लगता है कि पूरी ओरिजिन ही इस पे बेस्ड है, क्योंकि इस शॉट में हमें एक ड्रैगन दिखा भी। अब कॉमिक्स पे आए तो मैंडरिन से रिलेटेड ड्रैगन था फिन फैंग फूम, बट इफ मूवी की बात करें तो यहाँ एक फंको पॉप के लीक से ये रिवील हुआ है कि इसमें द ग्रेट प्रोटेक्टर नाम का एक ड्रैगन भी दिखने वाला है। मतलब समझ ही रहे हो कि रिश्ता वही, सोच नहीं, फिन फैंग फूंग नाम कौन ही रखता। और यहीं पे एक ऑसम फैन थ्योरी भी आती है कि ये जो रिंग्स हैं वो एक्चुअली में ड्रैगन के रिंग्स हैं, इसलिए वो इतने बड़े हैं। अब वो ड्रैगन ग्रेट प्रोटेक्टर भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ ड्रैगन्स भी हो सकते हैं, मतलब कि कुछ भी। अब देखो ये थ्योरी इसलिए सही हो सकती है क्योंकि कॉमिक्स में जो ये रिंग्स थे वो म्यूक्लियंस स्पेशीज के एलियंस के थे, जो कि बेसिकली ड्रैगन ही हैं। इसी स्पेशीज का फिन फैंग फूंग भी था एंड इन्हीं के स्टारशिप से मैंडरिन को रिंग्स मिले थे। तब रिंग्स की ओरिजिन क्या है आप लोग समझ ही रहे होंगे। वैसे रिंग से रिलेटेड एक और थ्योरी ये भी है कि इन्हीं 10 रिंग्स से सारे वेपन्स को पावर मिलता है। आपने देखा भी होगा कि जितने भी लोग 10 रिंग्स का पार्ट हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके वेपन से सिमिलर वैसे ही लाइट एमिट हो रही है जैसा कि 10 रिंग्स से। तो हाँ, इन थ्योरीज पे आपके क्या थॉट्स हैं जरूर बताना। अब आते हैं इस सर्कस में जहां लोग लड़ रहे हैं भाई पता नहीं क्यों, एंड इफ इस शॉट का ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो पीछे हमें दिखता है कैप्टन अमेरिका के शील्ड का सिंबल। अब पता नहीं यहाँ ऐसा क्यों है, बट हाँ इटर्नल्स के ट्रेलर में भी कैप्टन अमेरिका से रिलेटेड ईस्टर एग था एंड यहाँ भी। तो हाँ, हर जगह कैप्टन अमेरिका के रेफरेंसेस घुसाए जा रहे हैं। और हाँ, यहाँ शैंग-ची अपनी बहन शॉलिंग से फाइट कर रहा है जैसा कि सारे भाई बहन करते हैं। फिर इस शॉट में वो अपने फादर के साथ लड़ रहा है, भाई किसी को तो छोड़ दो। लेकिन हाँ, मजाक को साइड में रखकर यहाँ क्लियरली शैंग-ची ने मैंडरिन को टक्कर दे दिया है। शैंग-ची के हाथों में रिंग्स आते के साथ ही इसके कलर चेंज हो गए हैं। तो हाँ, ये रिंग अपने होल्डर को पहचानता है एंड हर इंडिविजुअल पे अलग तरह से काम करता है। चलो वापस आते हैं सर्कस पे, क्योंकि यहाँ हमें वॉन्ग एंड एबोमिनेशन दोनों ही दिखे हैं। अब अगर एबोमिनेशन पे आए तो ये लास्ट हमें दिखा था इनक्रेडिबल हल्क में, एंड अब जाकर इसका सेकंड अपीयरेंस हो रहा है। कई लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई ये एबोमिनेशन नहीं है, इसका लुक अलग है। तो भाई हल्क फर्स्ट मूवी में ऐसा दिखता था एंड अब ऐसा दिखता है, एंड ये जो लुक है वो कॉमिक बुक्स जैसा है। और रही बात वॉन्ग की, तो हाँ ये वॉन्ग ही है, क्योंकि जब इस मूवी की शूटिंग चल रही थी तो उसी टाइम वॉन्ग को एक्टर सिमु लियू के साथ स्पॉट किया गया था। लेकिन मेजर क्वेश्चन भाई यहाँ पे ये आता है कि वो दोनों यहाँ आए कैसे, एंड ऑब्वियसली इसका जवाब जानने के लिए हमें मूवी देखना पड़ेगा। तो यार ये था मेरा ब्रेकडाउन, होप सो कि मुझसे कुछ मिस नहीं हुआ होगा, एंड इफ हो भी गया होगा तो आप लोग कॉमेंट में बता देना, एंड ये भी बताना कि ट्रेलर कैसा लगा। ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड ऐसे ही और भी ऑसम कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। पिछले टीजर का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड शैंग-ची की कॉमिक बुक ओरिजिन जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा, टिल देन बी देसी बी नर्ड।